गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और 9 मई 2021 आज की डेट में मैं आपको मॉर्निंग की क्लास देने जा रहा हूँ। और स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का जो मेरी इस क्लास को डेडिकेटेड है इस क्लास के प्रति श्रद्धा रखते हैं और इसे पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखते हैं कि इसमें ज़रूर उन्हें कुछ खास सीखने को मिलेगा। तो मैं उनसे, मेरी उनसे अपील है कि प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छा लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़वाएं। और जो जो भी इसमें त्रुटि हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, अभी मैं स्पेशली ओ लेवल के लिए इसमें पढ़ाई का और रिवाइज सिलेबस के लिए ओ लेवल के, जिसमें कि पाइथन को शामिल किया गया है। अन्य मॉड्यूल्स, टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं ओ लेवल के, जिनमें अन्य मॉड्यूल्स की तैयारी भी मैं पाइथन कंप्लीट होने के बाद कराऊंगा। और मेरी प्लेलिस्ट से शुरू से लेकर अंत तक के अभी तक जो 13 या 15 वीडियोस बने हैं, वो आप लोग लाइन बाय लाइन देख के पाइथन को अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय, ऐसा आप टाइप करेंगे जब आप अपने यूट्यूब चैनल में, तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल और उस पर आप प्लेलिस्ट में जाके पाइथन के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले आज की क्लास में हमें आईडीएलई पर प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रिंट आउटपुट फंक्शन पाइथन में जो यूज होता है उसके बारे में कुछ खास सीखना है, जैसे कि सेप आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो सेप आर्ग्यूमेंट के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सर्च बॉक्स में हमने टाइप किया पाइथन, जो कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है अपने कंप्यूटर में। पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता देता हूँ। पाइथन के आईडीएलई पर हम वर्क करते हैं। पाइथन की आईडीएलई ओपन हो गई है और अब हम पाइथन के एक मिनट पाइथन सॉरी पाइथन की स्पेलिंग में मिस्टेक हो जा रहा था, पाइथन, और इसको हम ओपन करते हैं। अब पाइथन प्रॉम्प्ट या इसे हम पाइथन प्रॉम्प्ट ही कहते हैं या प्रॉम्प्ट या सेल कहते हैं, पाइथन सेल, ये ओपन हो चुका है हमारे पास पाइथन टाइप करने पर सर्च बॉक्स में। अब हमें, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पाइथन की कोडिंग 2 टाइप से होती है, एक इंटरेक्टिव मोड में और दूसरी स्क्रिप्ट मोड में। तो इंटरेक्टिव मोड में हम जो लाइन लिखते हैं उसको इंटरप्रेटर साथ ही साथ उसका आउटपुट देता चलता है, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में हम कई कोड्स को एक साथ लिखते हैं पाइथन के और उसके बाद उनका आउटपुट हम प्राप्त करते हैं, तो उसे स्क्रिप्टिंग मोड या स्क्रिप्ट मोड कहते हैं पाइथन में। तो अभी हम इंटरेक्टिव मोड में काम न करके प्रिंट मोड में काम करने जा रहे हैं, और सेप आर्ग्यू यूज होता है स्क्रिप्टिंग मोड में या स्क्रिप्टिंग मोड में पाइथन में, उसके बारे में कुछ नई चीज़ें देखते हैं, उसका काम क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने स्क्रिप्ट मोड की फाइल को खोल लिया है, फाइल पे जाके और न्यू फाइल पे क्लिक करके, इसके बाद पाइथन प्रॉम्प्ट को बंद कर देते हैं और न्यू पाइथन सेल को ओपन करने के बाद आप इसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं ऑप्शंस में जा करके, कॉन्फ़िगर आईडीएलई करके, और आईडीएलई में साइज़ यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने 22 चूज़ किया है तो 22 आ रहा है, और इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब आप लोगों को अच्छे से स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसलिए मैंने इसे इस तरह से सेटिंग की है। तो अब हम ये जानते हैं कि पाइथन में आउटपुट फंक्शन प्रिंट होता है, जैसे कि अगर किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो उसमें आउटपुट फंक्शन प्रिंट एफ होता है, तो यहाँ पर प्रिंट होता है सिंपली, एफ नहीं होता है उसके साथ। तो प्रिंट पैरेंथेसिस, अब पैरेंथेसिस जो होता है वो सबसे स्मॉल ब्रैकेट को कहा जाता है, छोटे कोष्ठक को कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मान लीजिए हमने कोई स्ट्रिंग लिखी जैसे सुशांत,
तो कोई भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए हमें सिंगल कोट, डबल कोट और या ट्रिपल कोट उसके स्टार्टिंग और एंड में लगाना पड़ता है। जैसे सुशांत एक स्ट्रिंग है और हमने इसे क्लोज कर दिया। अब इसको हम F5 से रन करा सकते हैं, F5 फंक्शन की F5 से रन करा सकते हैं, या सिंपली रन मॉड्यूल में जा करके रन मॉड्यूल पे क्लिक करके अब यहाँ मांग रहा है सेव बिफोर और चेक, सेव बिफोर रन और चेक, सो फर्स्ट भी सेव, ओके टू सेव। तो मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ और इसको डेस्कटॉप पे ही मैं रखता हूँ। इस फाइल का एक्सटेंशन जो है मुझे देना पड़ेगा, तो इस फाइल को मैंने ऑलरेडी नम नम नाम से बना रखा है, तो इसको मैं यहाँ से सबसे पहले डिलीट करूँगा, क्योंकि एक ही नाम से पाइथन की जो फाइलें आपके लिए भी कंफ्यूजिंग होंगी और आपके पीसी के लिए भी। तो मैं नम न रख के यहाँ नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और पाइथन का एक्सटेंशन देना पड़ेगा यहाँ पे .py, जैसे सी लैंग्वेज में .c था और सी HTML में .html और आपका जावा स्क्रिप्ट में .js फाइल का एक्सटेंशन होता है, उसी तरह पाइथन फाइल में उसका एक्सटेंशन .py से डिनोट किया जाता है। ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी, अब मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो देखिए अब ये सेव हो चुका है और आउटपुट पे हमें मिल चुका है सुशांत। अब आगे का हम देखते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने लिखा एक वेरिएबल नम और इसके अंदर असाइन कर दी वैल्यू 100। अब हमें इसको प्रिंट कराना है, तो कैसे कराएंगे? हमने एंटर किया, प्रिंट फंक्शन को लिया, उसके साथ पैरेंथेसिस लगाया और उसमें नम टाइप किया। नम टाइप करने के हमें उसे रन कराने में जा करके रन मॉड्यूल पे क्लिक करके, तो कह रहा है सोर्स मस्ट बी सेव्ड ओके टू सेव, तो ओके कर दिया मैंने। अब देखिए 100 जो कि उस वेरिएबल में असाइंड वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे पाइथन प्रॉम्प्ट में मिल गई आउटपुट के रूप में। लेकिन अगर हम यही काम इस तरह से कर दें, प्रिंट नम, तो देखते हैं हमें पाइथन प्रॉम्प्ट में रन कराने के बाद क्या मिलता है। तो रन कराया, रन कराने पहले ओके किया और यहाँ पे हमें मिल गया नम, यानी कि वेरिएबल का नाम यहाँ पे हमें मिल गया। यानी कि यहाँ से हमको ये पता चलता है कि अगर किसी वेरिएबल के अंदर असाइंड वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है तो हम सिंपली वहाँ पे वेरिएबल पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं विदाउट सिंगल डबल और ट्रिपल कोट। लेकिन अगर हमें किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है प्रिंट फंक्शन के अंतर्गत, तो हम डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट का यूज करके उसके अंदर उस स्ट्रिंग को लिखते हैं, और उसका आउटपुट निकालते हैं। इसके बाद हम सेफ फंक्शन, सेफ आर्गुमेंट का यूज करना सीखेंगे। तो यहाँ से मैं एंटर करता हूँ और फिर से एक प्रिंट फंक्शन लेता हूँ आउटपुट के लिए प्रिंट, और इसमें मैं एक सेंटेंस टाइप करता हूँ, जैसे कि आई एम इन डबल कोट नहीं लगाना है पहले, आई एम इन लखनऊ, आई एम इन, आई एम गोइंग टू लखनऊ। इन का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन एक कीवर्ड है, इसे उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं, वो एक स्पेशल कीवर्ड है जिसका पाइथन में कुछ मीनिंग होता है। आई एम गोइंग टू लखनऊ,
आई एम गोइंग टू लखनऊ। अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रन पे जाना पड़ेगा, रन मॉड्यूल पे क्लिक करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा और इसके बाद आउटपुट मिला आई एम गोइंग टू लखनऊ। लेकिन अगर यही हम कुछ स्पेस देके टाइप करना चाहते हैं इसमें, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्पेस मिल जाता है जितनी स्पेस हमने उस स्ट्रिंग को दी गई होती है। उस स्ट्रिंग के हर ऑब्जेक्ट या हर वैल्यू को दी गई होती है, तो उतना स्पेस हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। यानी सेव फंक्शन ऑलरेडी काम करता रहता है बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट फंक्शन में। लेकिन सपोज हम यहाँ पे एंड सॉरी सेव आर्गुमेंट का यूज करते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं, इसके साथ ही डबल कोट के अंदर हम शिफ्ट अल्फ़ा 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 ऐसा कर देते हैं और आई एम को डबल कोट्स के अंदर कर दिया। इसके बाद गोइंग को डबल कोट्स के अंदर कर दिया, फिर टू को डबल कोट्स के अंदर कर दिया और अब लखनऊ को भी डबल कोट्स के अंदर कर दिया। सॉरी ये तो ऑलरेडी डबल कोट्स के अंदर है। अब जितने ऑब्जेक्ट हैं, आई एम एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट फंक्शन में, दूसरा गोइंग, तीसरा टू और चौथा लखनऊ। तो इन चौथे इन चारों ऑब्जेक्ट्स या वैल्यू के बीच में जो कि स्ट्रिंग के रूप में है, उनमें हम कॉमा लगा देते हैं और कॉमा लगाने के बाद हम सेफ आर्गुमेंट का यूज करते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। हर ऑब्जेक्ट के बीच में हमें ट्रिपल एट द रेट साइन मिलेगा। देखते हैं इसको रन करा के। तो F5 को प्रेस करते हैं, या सिंपली आपको F5 नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से सेव कट करके आप रन में जा करके रन मॉड्यूल करके सेव करके देख सकते हैं आउटपुट क्या मिल रहा है। आई एम फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, उसके बीच में ट्रिपल एट द रेट आ गया। गोइंग सेकेंड ऑब्जेक्ट था, उसके बीच में ट्रिपल एट द रेट आ गया और फिर टू एक ऑब्जेक्ट था, टू और लखनऊ के बीच में ट्रिपल एट द रेट साइन आ गया। इसलिए इस तरह से हम बता सकते हैं कि सेफ आर्गुमेंट का यूज क्या होता है। अगली और इसके अलावा एक एंड आर्गुमेंट होता है, यानी कि इसको यहाँ से बंद करते हैं। एंड आर्गुमेंट के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास अभी मैं आपको करीब 6-7 बजे के आसपास अपलोड करूंगा, तो मैं उसमें एंड आर्गुमेंट यानी कि एंड आर्गुमेंट जो पाइथन में यूज होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने सबसे पहले इस क्लास में सेफ आर्गुमेंट के बारे में बता दिया था, अब मैं आपको एंड आर्गुमेंट के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जो 6 या 7 बजे के आसपास आपको मिल जाएगी। अभी मैं इस क्लास को यूट्यूब पर डालने जा रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी, और एंड आर्गुमेंट का यूज अगली क्लास जो आज ही मैं सुबह दे दूँगा, आप दोनों को कंपेयर करा सकते हैं, तो उसमें कई सिमिलरिटीज़ मिलेंगी और कई डिफरेंट्स मिलेंगे। सेफ और एंड का क्या क्या कंपेरिजन है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसके साथ ही हम स्ट्रिंग नाम की फाइल है जिसे कि हमको रन कराना है, स्ट्रिंग नाम की पाइथन फाइल है जिसे हमें रन कराना है। तो हम सिंपली इसे देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या है इसको खोल के। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ और मॉर्निंग की क्लास अभी 6 या 7 बजे के आसपास मैं आप लोगों को एक क्लास और दे दूँगा एंड आर्गुमेंट के रूप में। और इस तरह से
एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एंड सेप आर्गुमेंट का यूज बाई बैक स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन करने के लिए भी होता है। अब यहाँ से वीडियो को मैं बंद कर